झुंझुनू में कोरोना के लॉकडाउन के बाद अब नगर परिषद ने अतिक्रमण के खिलाफ भी कार्यवाही शुरू कर दी। आज झुंझुनू के रोड नंबर 2 गौरव पथ के समीप कबाड़ी मार्केट में व्यापारियों द्वारा मुख्य सड़क पर किए गए अतिक्रमण पर कार्यवाही करते हुए न केवल अतिक्रमण हटाया गया बल्कि कई सामान भी जब्त कर लिए गए। आयुक्त रोहित कुमार ने बताया कि व्यापारियों को पहले भी चेताया गया था लेकिन कोई भी सुधार नहीं हुआ, इसके बाद यह कार्यवाही की गई है। अब यदि दोबारा अतिक्रमण किया जाता है तो कबाड़ी मार्केट के व्यापारियों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई जाएगी। आयुक्त रोहित कुमार ने बताया कि इसके अलावा नगर परिषद ने अलग अलग टीमें बना दी है, पूरे शहर में अतिक्रमण चिन्हित करवाए जा रहे हैं जिसके खिलाफ अभियान के तहत कार्यवाही भी की जाएगी। आज 2 नंबर रोड पर कबाड़ी मार्केट के द्वारा जो गौरव पथ पर अतिक्रमण कर रखा है उस पर प्रभावी कार्रवाई की जा रही है, उनका सामान जब्त किया जा रहा है और इसके अलावा और भी जिन्होंने मुख्य मार्गों सड़कों पर अतिक्रमण कर रखा है उन पर सभी पर कार्रवाई की जा रही है। इसके पश्चात भी अगर उनसे इस बारे में स्पष्टीकरण भी मांगा जाएगा और इसके पश्चात भी अगर वो दोबारा से अतिक्रमण करते हैं तो उन पर FIR की कार्रवाई की जाएगी। ठोस कदम ये जल्दी उठाई जा रही है। कोरोना के बाद में नगर परिषद की अतिक्रमण के खिलाफ पहली कार्रवाई है और पहली कार्रवाई में हमने इनको एक अवसर देना उचित समझा है। कलेक्टर साहब के भी इसमें इस बारे में काफ़ी दिशा निर्देश मिल चुके हैं और उन्होंने भी बार बार इस अतिक्रमण को हटाने के लिए कहा है, इसलिए हम आगे से अगर दोबारा अतिक्रमण होता है तो हम FIR की कार्रवाई करेंगे।